मैं हूँ निशान भाई और आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज पर। जैसा कि हमारा अभी विधानसभा का जो सर्वे का जो काम चल रहा है उसमें हमने आपको कई विधानसभा के विधायकों के किए हुए कामों को बारे में आपको दिखाया और जनता की राय आपको बताने की कोशिश की। इसी के चलते हमने इसके पहले संजय पुराम जो आमगांव देवरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक है उनके गांव का ही आपको वाकया दिखाया था। आज हम आपको उन्हीं के गांव से करीबन महज 40 या 45 किलोमीटर दूर नीलज करके ग्राम के बारे में आपको बता रहे हैं। नीलज ग्राम की जनता संजय पुराम जो यहाँ के स्थानीय विधायक है उनके बारे में क्या कहती है और इन्होंने क्या क्या इस गाँव के लिए किया है वो आप ही खुद देखिए। हम इस वक्त मौजूद है देवरी तहसील के एक नीलज गांव है यहाँ और इस गांव में हम पहुँचे हैं। यहाँ भी काफ़ी बदहाली का आलम है। हम लोग अभी इस रूट पर सामने एक जो रूट है उस रूट पर जा रहे थे तो लगभग वहाँ एक नाला है, उस नाले में गड्ढे गिरे हुए हैं और उस नाले को पूर आया हुआ है। यानी वो नाला जो है वो इस जगह बहुत पहले जो उसकी मात्रा है उसकी हाइट छोटी रहने के वजह से उसके ऊपर से पानी बह रहा है। लगभग लोगों को सामने के गाँव में जाने के लिए 12 से 15 किलोमीटर का सफ़र लॉन्ग डिस्टेंस तय कर जाना पड़ रहा है। ऐसी कई समस्याओं को लेकर हमने इस गांव वालों से अभी चर्चा करने वाले हैं हम लोग और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के जो संजय पुराम जो यहाँ के विधायक है वो सक्रिय विधायक है कि निष्क्रिय विधायक है, यानी उनके कामों के सकारात्मक दृष्टिकोण रहे इस गाँव को लेकर या नकारात्मक रहे, इस बारे में हम लोगों से चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कंठ कुमार वाघमारे है, मैं नीलज का रहने वाला हूँ। यहाँ परेशानी ऐसी है, हम तो कैसा भी घर में रह जाते हैं लेकिन हमारे बाल बच्चे जो है स्कूल पढ़ने वाले इतनी परेशानी है कि वो आज के परिस्थिति में वो नाले से इस पर आ नहीं सकते और आज उसका पढ़ाई बंद हो गई है। इसीलिए ये परेशानी नाले के वजह से है और इतना पानी आने के वजह से वो नाले के उधर के लोग इधर नहीं आ सकते। अच्छा, यहाँ ब्रिज बड़ा नहीं रहने के वजह से समस्या निर्माण हो गई है। हाँ। अच्छा, आपके गांव में राशन वगैरह की जो दुकानें होती है हाँ। वो बराबर आपको राशन वगैरह मुहैया करा पाती है इस इलाकों में? अभी आती है, अभी आता है आपके गांव में। अच्छा, आपके गांव में लगभग कितने लोगों को रोजगार हमी के तहत काम मिला, यानी कितने दिन काम मिला? अभी उतना तो मालूम नहीं, 15 दिन नहीं ज्यादा किए, ज्यादा लोग किए। अच्छा, लगभग 15 दिन आपके गांव में काम मिला है। अच्छा, आप बताइए कि आपके गांव में सड़कें वगैरह कैसी, यानी और क्या क्या समस्या है, नालियां वगैरह? नालियां ये रोड देखो, हमारे परेशानी पहली परेशानी। अच्छा, और कुछ काम ही नहीं है हमारे बस्ती में पूरा। यानी आपको लगता है कि जो संजय पुराम है वो अपने जो जिम्मेदारी निभानी थी उनको अपने इस गांव के प्रति जो उनकी जवाबदारी थी वो निभाने में वो असफल रहे? असफल, हम उसको देखे भी नहीं ये बस्ती में जब से चुनाव से है। अच्छा, चुनाव के बाद उस बार वो कभी नहीं आए? कभी नहीं, हम भी नहीं आए। परेशानी, तुम्हारे को परेशानी क्या है ऐसा पूछा भी नहीं, और क्या चाहिए और तुम्हारी परेशानी कौन सी है? हम तो उसके पास इतने बार गए कंट्रोल दुकान के पहले ये समस्या लेके, मैं करता छू आज तक से कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद में वो कोट जमोरे वाले जो ईकेजी है अभी दे रहे तो ठीक दे रहे वो। अच्छा, वो यानी अभी दूसरों को जब उन्होंने वो दुकान अटैच किया तब वो आपको राशन वगैरह मिलने लगा है। अच्छा, बताइए आपके गांव में बिजली कितने दिन रहती है? बिजली तो कंटिन्यू रहती है लेकिन क्या है ये जबकि बारिश होती है हाँ तो कहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है तो नहीं रहती। तो लगभग यानी कितने दिन आपको बिना बिजली के रहना पड़ता है? तो अभी तो दिन भर नहीं है, रात से। अच्छा, रात लगभग से 1 बजे से अभी नहीं। बिजली की परेशानी है? बिजली की भी परेशानी है आपके गांव। अच्छा, आपके गांव में पीने के पानी की समस्या होती है कभी नलकाले वगैरह में? नहीं। अच्छा, यहाँ वाटर प्यूरिफायर वगैरह लगा के दिया गया है? नहीं, कुछ भी नहीं। शुद्ध पेयजल योजना वगैरह कुछ नहीं आई है इस गाँव में? कुछ भी नहीं। अच्छा, ये गाँव का विकास आपको लगता है कि पुराम जी कर पाए हैं? कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए हैं। क्या नाम है आपका? प्रशांत घरत। घरत जी, मेरे को एक बात बताइए, आपको कितने दिन रोजगार मुहैया हो पाया, किसानी से या रोजगार हमी के माध्यम से? रोजगार हमी के माध्यम से
ज़्यादा ज़्यादा 15 दिन। 15 दिन आपको मिला, और हाँ। किसानी के माध्यम से? किसानी के माध्यम से मिल रहा है अभी। अच्छा, अभी मिल रहा है। तो लगभग आपके ने ये जो दो योजनाएं हैं, किसानों के माध्यम से जो किसानी के लिए आपको रोजगार मिलता है और मनरेगा के माध्यम से जो रोजगार मिलता है, उसके बाद आपके पास कोई रोजगार के साधन नहीं होते? नहीं। अच्छा, पुराम जी ने कभी इस एरिया में कोई रोजगार मेलावा वगैरह लिया? नहीं लिया अभी। अच्छा, वो कभी आए आपके गाँव में? नहीं आए। अच्छा, कभी नहीं आए हैं। अच्छा, इस गाँव के लोगों ने कभी उनको बुलाया यहाँ कोई कार्यक्रम में? कार्यक्रम में बुलाए, बुलाते थे, लेकिन आए नहीं वो? नहीं आए। ऐसे कई अनगिनत समस्याएं इस नीलज ग्राम में बनी हुई है, और लगभग यहाँ के लोगों का कहना यह है कि जब से चुनाव हुए हैं तब से संजय पुराम जो इस क्षेत्र के विधायक है वो इस गांव में कभी भी नहीं आए। कई बार इन गांव वालों ने उनसे संपर्क भी किया, लेकिन उन्होंने कहा कि आता हूँ, या वो हर बार वो किसी न किसी बहाने को लेकर उस आयोजन के कार्यक्रम को टाल जाते थे। ऐसी कई अनगिनत परिस्थितियों के इसमें लोगों को यह है, जैसे कि अभी यहाँ हमको बताया गया कि जब नाले में जब पूर आ जाता है, जब यहाँ जो नाला है उफान पर बहता है, तब यहाँ के बच्चों को शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है, और जब यहाँ बारिश वगैरह होती है ऐसी परिस्थिति में इस इलाके की बत्ती जो है वो गुल हो जाती है, जिसके चलते यहाँ के लोगों को काफ़ी असुविधा झेलनी पड़ती है। और ये सारी असुविधाओं के आलम के बावजूद स्थानीय विकास निधि के अंतर्गत इस इलाके में कोई भी काम नहीं हो पाया है। मैं कैमरामैन नीलेश पसीने के साथ निशान भाई। देखा आपने किस तरीके से संजय पुराम अपने ही विधानसभा क्षेत्र के विकास में पीछे है, और इसी के चलते ऐसे विधायकों को लोग चुनना अपनी गलती समझ रहे हैं। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद हम आपको बताएंगे, इसी गांव के नीलज गांव के नजदीक ही 4 से 5 किलोमीटर दूर पर एक केशोरी ग्राम है, उस ग्राम की क्या समस्या है वो आपको हम अवगत कराएंगे। संजय पुराम जी ने उस गाँव के साथ क्या किया है, बने रही है MNS न्यूज के साथ। बेबी? हाँ। नहीं, मैगी? हाँ प्लीज। ऑसम मैगी, वेज आटा मैगी। आटा मैगी? तुम बताते नहीं तो पता नहीं चलता। हाँ, कुछ बातें बता देनी चाहिए। रोड ट्रिप सॉन्ग्स ये क्यों? मैं गाऊंगी ना गोवा टू मुंबई, याद नहीं है वो कौन सा गाना था? याद है, इसीलिए। बुरा गाते हो? बहुत बुरा। अपनों की कुछ बातें सरप्राइज कर जाती हैं, जैसे नई वेज आटा मैगी का ऑसम टेस्ट, जिसमें है सुनहरे गेहूं की गुडनेस, रंग बिरंगी सब्जियां और 20 चुनिंदा मसाले। नई वेज आटा मैगी, कुछ अच्छा पकाएं, आओ मैगी बनाएं। नेस्ले, गुड फूड गुड लाइफ।